फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन बायरूट्स क्लासेस। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर विच इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो प्लांट को क्लासिफाई किया गया, हमने आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम अब हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वो सबसे पहले एल्गी विच इज नोन एज थैलोफाइटा, यानी जिनके पास थैलस लाइक बॉडी है, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम्स ब्रांचेस, एल्गी। देन ब्रायोफाइटा विच इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। द थर्ड इज टेरिडोफाइटा विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट्स, यानी ये सबसे पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम आया था। इससे पहले इनके पास बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी दे हैव नेक्ड सीड्स, इनके पास नेक्ड सीड्स था, मीन्स सीड के बाहर इनके ओवरी नहीं थी और फ्रूट नहीं था। एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म विच इज नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स और कवर्ड स्पर्मा, मीन्स कवर्ड सीड्स। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें ढंग से पढ़नी है, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ कि किसने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए। तो प्लांट में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो फर्स्ट इज, ये यहां से क्वेश्चन बहुत आपके बनते हैं, द फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज गिवन बाय कोरुलस लीनियस। कोरुलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स के लिए। इन्होंने क्या चीज कही, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इनकी जो ड्रॉबैक्स थे, या इन्होंने सिर्फ क्या लिया, इन्होंने सिर्फ ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को, या आप कह सकते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। एग्जांपल, इन्होंने शेप, साइज, कलर ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उनको इन्होंने लिया, और इसी के साथ ही साथ एंड एंडोस्पर्म के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में इन्होंने इसमें बताया। तो एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में इन्होंने बताया, और इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि प्लांट के बाहर से देख के ही सुपरफिशियल कैरेक्टर्स मीन्स मॉर्फोलॉजी ओनली। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे डिपेंड था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड था। अब हम कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो देखिए ड्रॉबैक्स इसके कुछ थे। सबसे पहली बात तो आप खुद ही समझिए, इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लिए। क्या सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लेने से आप किसी को क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं, आपको इंटरनल कैरेक्टर्स भी बताने पड़ेंगे। तो यहां इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने क्या किया, ड्रॉबैक्स में जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी सेपरेट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उसको इन्होंने सेपरेट कर दिया था। और सेकेंड, इनका जो ड्रॉबैक था, गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मीन्स इन्होंने जो वेजिटेटिव, यहां देखिए मैं आपको क्या कह रही हूं, इन्होंने सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए, इन्होंने बाहर से देखा कि प्लांट की हाइट क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, वो चीज उन्होंने देखी, और उन्होंने एंड्रोशियम में देखा तो वो तो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट है, और ये हो गया, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। तो इन्होंने दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि हमें खुद पता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स का अलग ही अपना इंपॉर्टेंस है, और जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनका अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो यहां इनका थोड़ा गलत हो गया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो जल्दी लीजिए। Now the second is natural system of classification, जो कि सबसे best system of classification माना जाता है, किसने, बेंथम और हुकर ने दिया था। तो natural
क्लासिफिकेशन सिस्टम या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम और हुकर को यह कहा जाता है कि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया किसने, बेंथम और हुकर ने दिया सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन। तो रिलेटेड टू रॉयल बोटानिकल गार्डन, गार्डन तो देखिए यहां ये रॉयल बोटानिकल गार्डन से रिलेटेड थे, यानी ये वहां काम किया करते थे। इनकी जो बुक थी मैंने आपको पहले भी बताई थी, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स इनके भी थे, बट ये है कि आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है ये चीजें, भी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। लेकिन अब क्योंकि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है और मुझे बहुत जल्दी ये कंप्लीट करना है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में भी आपको नहीं बता सकती यहाँ पे। वैसे इन्होंने क्या किया था, जो इनका थोड़ा सा गलत ड्रॉबैक जो इनका था, इन्होंने डायकॉट्स को अलग रख दिया था, जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया था और मोनोकॉट्स को अलग रख दिया था। तो इन्होंने डायकॉट और मोनोकॉट को डिफ्रेंशिएट कर दिया था, यानी एंजियोस्पर्म का पार्ट नहीं माना, या एंजियोस्पर्म के अंदर इन्होंने दोनों को नहीं लिखा और बीच में जिम्नोस्पर्म लिख दिया। यानी इनका कहना यह था पहले डायकॉट आए फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन मोनोकॉट। तो ये चीज थोड़ा इनकी गलत थी, बट बाकी सबसे बिगेस्ट क्लासिफिकेशन हम किसका मानते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम सबसे बिगेस्ट मानते हैं। और इसी में ही इनका जो बेसिस था, वो बेसिस इनका क्या था, थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि जल्दी करना है, तो राइटिंग बना बना के तो मैं लिख नहीं सकती। तो देखिए बेसिस जो इनका था वो क्या था, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स, इन्होंने दोनों कैरेक्टर्स साथ में ले लिए थे इसीलिए सही थे। तो एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, इन्होंने मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से दिखना, मॉर्फोलॉजी क्या होता है बाहर से, कि हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, देन एनाटॉमी जहां इन्होंने अंदर के फीचर्स लेने शुरू किए, कैरेक्टर्स लेने शुरू किए, देन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन किस तरीके से होगा ये सारी चीजें इन्होंने बतानी शुरू की, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री मींस जहां प्लांट की केमिस्ट्री की बात की जाती है, तो इन्होंने ये सारी की सारी चीजें साथ में ली थी इसीलिए इनको बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इनका कहा जाता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी, नेक्स्ट आता है आपके पास फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फेलोजेनेटिक का मतलब ही क्या है, थर्ड इज फेलोजेनेटिक। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी, फेलोजेनी जहां पे आ गई, यानी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अब इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, जबकि एनसीईआरटी ये नहीं कहती, तो कुछ क्वेश्चन आपके पास बाहर से बनते हैं। देखिए फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के जो प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने इसको थोड़ा बताया था इसके बारे में कि हाँ ये हो सकता है, एंगुलर प्रंटे, हचिनसन और तक्ताजन, ठीक है। तो ये थे जिन्होंने सिर्फ प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने कहा कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, जो फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद सबसे पहला फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो थे इचलर, गेव फर्स्ट फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ओस्वाल्ड, आपने सुना भी होगा इनका नाम, ओस्वाल्ड टीपो, ओस्वाल्ड टीपो ने गेव बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इन्होंने दिया था। अब इसमें मैं आपको बताती हूं कि बेसिस क्या है इसका। तो बेसिस जो इसका था वो था कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताना था, यानी इन्होंने ये कहना था कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बारे में इन्होंने बताना था। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताना था बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और यहां कुछ और चीजें कि कहां पे ये चीज ज्यादा सही होती है, तो देखिए इन्होंने ये चीज कही थी कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा,
आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनको हम सेम टैक्सा के अंदर रखेंगे। तो कुछ चीजें आप खुद लिख लीजिए, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इन्होंने ये चीज बोली थी, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को या ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सेम टैक्सा के अंदर रखना पसंद किया या रखा इन्होंने, अच्छी बात थी, सही बात थी वो। और नेक्स्ट इन्होंने ये चीज कही, मतलब ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है, तो ये वहां पे हेल्पफुल है जहां पे कोई भी हमको, जैसे कोई भी एविडेंस हमें ना मिले, तो इवोल्यूशनरी एविडेंस हमको ना मिले, तो वहां पे ये ज्यादा सही होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं या इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं वहां पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी। देन आपके पास इसी में ही तीन चीजें हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे आपने किसी भी चीज को क्या किया, आपने आइडेंटिफाई किया, देन नॉमेनक्लेचर यानी आपने नाम दिया एंड देन आपने क्लासिफिकेशन किया। तो आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, द सेकंड इज नॉमेनक्लेचर एंड द थर्ड वन इज कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन। तो यहां पे जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन कंप्यूटर स्टडी, कंप्यूटर स्टडीज पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम किन चीजों को लेते हैं, जो बेसिस है इसका या किन चीजों पे ये डिपेंड है, तो यहाँ हम नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ हम कोड्स की बात करते हैं, यहाँ हम डाटा की बात करते हैं। तो हम इन सारी चीजों को लेके क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दे सकते हैं। अब इसमें ये एक अच्छी बात जो है, इसमें यह है कि हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक टाइम पे लेंगे, कैरेक्टर्स एट वन टाइम, ठीक है। तो कंसिडर हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर्स एट वन टाइम, एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को ले सकते हैं यहाँ पे। और तो ये हो गया आपका, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऑब्जर्वेबल डाटा है, यानी डाटा कौन सा, कि आप जिस चीज को क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेबल डाटा या ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन जो भी है, वो डाटा कोड्स जो हो गए वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल के बाद साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो से क्या समझ आ रहा है, यानी सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां हम सेल में किस चीज की बात करते हैं, तो बेसिस जो है वो क्रोमोसोम्स पे है, कि बेसिस ऑन क्रोमोसोमल स्टडी मोस्टली सेल्स के अंदर है, क्योंकि वो क्रोमोसोमल स्टडी। तो क्रोमोसोमल स्टडीज में से भी एग्जांपल कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर, देन नंबर के बाद कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम है, देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूं तो हो सकता है कि कहीं पे कुछ गलती भी हो जाए, तो आप उसको प्लीज नेग्लेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल भी रही हूं तो आप समझ जाइएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है और बिहेवियर हो सकता है। तो इन सब पे बेस्ड होती है कौन, जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो। उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ये जितने भी मैंने आपको बताए कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है या कितने टाइप के टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया है या एनसीईआरटी कहती है। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए जैसे ये है, ये उसमें नहीं है दिया हुआ कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या चीज आती है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब एनसीईआरटी ये नहीं बताती कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट में हम किसकी बात करेंगे, यानी हम डीएनए सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, यानी कौन से अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने हैं, या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की हम बात कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस, या आप लिख दीजिएगा प्रोटीन, ठीक है, कि प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। उसके बाद हम करेंगे, सबसे पहले एल्गी की हम बात करेंगे। एल्गी से स्टार्ट करते हैं हम, एल्गी देन ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए एल्गी में मैं सारी चीजें आपको लिखाऊंगी नहीं, मैं बता आपको दूंगी, आप खुद उसको लिख लीजिएगा।
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके पास यहाँ पे लिख रही हूं। तो देखिए एल्गी, एल्गी को हम क्या बोलते हैं, थैलो फाइटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलो फाइटा, मीन्स थैलस लाइक, थैलस लाइक बॉडी, यानी वेयर द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एटीसी। ठीक है, इन सब पे वो नहीं होगी। जैसे काई, एल्गी में आप क्या लेते हैं, काई हो गई। तो काई को अगर मैं आपको उखाड़ के देती हूँ हाथ पे और मैं कह रही हूँ आप इसमें रूट बताइए, आप इसमें स्टेम बताइए, आप ब्रांचेस बताइए, लीव्स बताइए, तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए आप उसको क्या कह रहे हैं, थैलोफाइटा, यानी हैविंग थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन और थैलस लाइक बॉडी। देन यहां ये अपना खाना खुद बनाएंगे तो हम इसमें क्या कहेंगे, दे आर ऑटोट्रॉपिक, या ऑटोट्रॉपिक है, हैविंग क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल अलग अलग होती है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल है। अब कौन कौन सी है, तो क्लोरोफिल ए बी हो सकती है, ए सी हो सकती है, ए डी हो सकती है। ये कैसे होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इनके पास क्लोरोफिल है, ये कहां कहां पे रहते हैं, तो दे आर मोस्टली या दे आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर और ओनली प्रेजेंट इन नेचर, मतलब ये हो सकते हैं बहुत सारी जगहों में, ये हो सकते हैं। तो वैसे हम बोलते हैं ये शेडी प्लेस में ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो शेडी प्लेस में ज्यादा होते हैं, बाकी हो तो ये कहीं पे भी सकते हैं। तो इसको आप खुद ही लिख लीजिएगा कि कहाँ पे ये होते हैं। उसके बाद इनकी फॉर्म्स की मैं बात करती हूँ, तो अकरेंस तो आपको मैंने बता दिया, फॉर्म्स कितने फॉर्म्स इसके होते हैं, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं ये, यानी एक ही सेल से मिलकर बने हुए ये हो सकते हैं। सेकेंड ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ये कॉलोनी बना के रह सकते हैं, सॉरी कॉलोनियल। एंड द थर्ड इज ये फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करती हूं, तो क्लेमाइडोमोना आपने सुना भी होगा कि जो क्लेमाइडोमोना होता है वो क्या है, क्लेमाइडोमोना यूनिसेलुलर है, ये इस तरीके से आप ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर उसमें होता है ये। देन कॉलोनियल में वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स कॉलोनी बना के रहता है, इस तरीके से कॉलोनी बना के रहेगा पूरा, ये इस तरीके से कॉलोनी बना के रहेगा। पेरेंट बाहर होते हैं और अंदर क्या होते हैं, ये इसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, और इस तरीके से ये थ्रेड से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इनमें होता है, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं, तो इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं। तो बाहर की तरफ पाई जाती है पेरेंटल कॉलोनीज एंड अंदर की तरफ पाई जाती है प्रोजेनिक कॉलोनीज, ठीक है। तो इस तरीके से वॉलबॉक्स हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं फिलामेंटस, तो फिलामेंटस में स्पायरोगायरा, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पायरोगायरा, इज ऑल्सो नोन एज पॉन्ड सिल्क। क्यों, क्योंकि ये तालाब में चमकता है, हरी रंग की एल्गी है, चमकती है, चमकदार हरी रंग की एल्गी, ठीक है। तो इज नोन एज पॉन्ड सिल्क, इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं। जैसे अल्थ्रेक्स है, तो अल्थ्रेक्स को पॉन्ड बूल कहा जाता है। तो ये हो गया, ये तो इसके फॉर्म्स हो गई है कुछ। अब अगर मैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करती हूं, तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा हो सकता है, तीनों टाइप का हो सकता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू हो सकता है। वेजिटेटिव ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, जो आपको पता ही है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन जैसे स्पायरोगायरा क्लास 10th में आपने पढ़ा है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, तो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में आप क्या लेंगे, आप जू स्पोर्ट्स इसमें ले सकते हैं। तो जू स्पोर्ट्स हो गए, तो ये कैसे, जू स्पोर्ट्स में भी कि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, इस तरीके से होते हैं ना जू स्पोर्ट्स, तो हैविंग फ्लैजिला यानी बाय फ्लैजिलेटी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं थ्रू गैमेट्स, और गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, तीन टाइप के, फंगस में हमने बात की थी, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, वही यहां भी है, यहां भी वही चीज फॉलो होगी। आप पहले इतना देख लीजिए, अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी। नेक्स्ट गैमेट्स की हम बात करेंगे, तीनों टाइप के गैमेट्स इसमें पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले आइसोगैमेट्स, अब आइसोगैमेट्स में ध्यान दीजिए, यहां एग्जांपल हम किसको लेते हैं, आइसो मींस सिमिलर, यानी गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज, जो साइज में सिमिलर हैं। इसमें एग्जांपल हम क्लेमाइडोमोना को लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास में क्या है, यानी
ये क्या करते हैं, ये दोनों में आते हैं, ये आपके आइसोगैमस और अनआइसोगैमस दोनों के अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पे इनमें जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो सिमिलर इन साइज हैं, ठीक है। दूसरा अन आइसोगैमेट्स या अन आइसोगैमस आप बोल सकते हैं। तो इसमें आप एक तो एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोना का, और एक आप लेते हैं इसमें स्पायरोगायरा का। यानी दोनों के दोनों ये कैसे, क्लेमाइडोमोना दोनों जैसा हो सकता है, कभी कभी वो कैसा हो जाता है, यानी सेम गैमेट्स उनमें होते हैं दोनों, और कभी कभी डिफरेंट गैमेट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर क्लेमाइडोमोना की मैं बात करती हूँ तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, और दूसरा ये कैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर इन साइज होंगे और कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होंगे। और स्पायरोगायरा की बात करते हैं तो स्पायरोगायरा कैसा होता है, ये सबसे पहले तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, और बट नॉन फ्लैजिलेटेड याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और साइज वाइज ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। तीसरा ऊ गैमेट्स या ऊ गैमस, तो ऊ गैमेट्स में क्या होता है, फीमेल लार्ज फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल, यानी स्टैटिक है, वो चल नहीं सकती, और जो मेल है वो स्मॉल एंड मोटाइल, स्मॉल एंड मोटाइल। मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल और स्मॉल होगा, बट उसके पास फ्लैजेला हो सकता है, या वो मतलब मोबिलिटी वो शो कर सकता है, वो चल सकता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं यहां, तो आपको याद रखना है वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस, वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलिसिपोनिया भी हम इसमें ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी उसे बताती नहीं है। तो आपको एग्जांपल एग्जांपल आप याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोना दोनों के अंदर आता है, जबकि अनाइसोगैमस में आप क्या लेंगे, क्लेमाइडोमोना लेंगे, और दूसरा आप स्पायरोगायरा यानी पॉन्ड सिल्क आप लेंगे। ये याद रखिएगा कि जो स्पायरोगायरा है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज का है, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ गैमेट्स। एक और चीज कि एल्गी की हम बात करें, पहले मैं आपको ये बता दूं, एल्गी की स्टडी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। देन लाइकेंस की बात करते हैं, तो लाइकेंस क्या है, एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, और ये मैंने आपको बता रखा है, एल्गल पार्टनर इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगस पार्टनर इज नोन एज माइकोबायोंट। तो ये हो गया, अब मैं यूजेस ऑफ एल्गी आपको बता रही हूँ, जो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। देखिए एल्गी के लिए ये कहा जाता है कि ये CO2 को यूज करता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट में ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सेकेंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इससे बनता है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी स्पायरुलिना, मैंने आपको बताया था स्पायरुलिना, स्पायरुलिना मैंने आपको बताया था, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, प्रोटीन कोई भी खा सकता है, मैं खा सकती हूँ, आप खा सकते हो, कोई भी खा सकता है। और तो ये जो स्पायरुलिना है ये क्या होती है, SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसको एथलीट्स यूज करते हैं ज्यादा, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिच होती है, प्रोटीनिशियस होती है, तो वो इसको यूज करते हैं। स्पेस में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, वो इसको लेकर जाते हैं एनर्जी सप्लीमेंट के लिए। और दूसरा क्लोरेला इसके अंदर आता है, एग्जांपल क्लोरेला भी है एक, स्पायरुलिना एंड क्लोरेला। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को भी लिबरेट करते हैं, तो इसीलिए बेनिफिशियल भी होते हैं। नेक्स्ट अगार की बात करते हैं, अगर इसी में ही अगार, अगार से जेल बनाया जाता है, और उसको हम जैसे पुडिंग खीर वगैरह बनाई या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए थिक करने के लिए, इन चीजों को थिक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और खाने के लिए जैम जेली और पुडिंग्स ये सब चीजें बनाने के लिए हम उसमें थिकनिंग एजेंट, एज ए थिकनिंग एजेंट हम अगार को डालते हैं उसमें, ठीक है। तो अगार हमको किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से, कराजीन हमको किससे मिलता है, रेड एल्गी से, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी से अगार हमको मिलेगा, और हम क्या करेंगे, अगार या कराजीन हो गया, तो दोनों के दोनों ये रेड एल्गी से मिलेगा, ये ब्राउन से मिलेगा, और दोनों को हम खाने के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या हो गए, एल्गी के कुछ यूजेस हो गए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एल्गी हमारे लिए क्या होगी, बहुत बेनिफिशियल है। और तो ये कुछ यूजेस आपके हो गए। अब उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ एल्गी करूंगी, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये यूजेस हैं याद रखिएगा, ये वाले जो है ये यूजेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग तो बहुत बेकार सी बन रही है, बट कीजिए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि किसी के पास क्या होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और सॉरी यहाँ पे आपके पास जो अगार है वो भी रेड एल्गी से होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, और एक और जेल होता है एल्जीन, एल्जीन होता है ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। और एक जो जैसे ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी है, इनके बाहर क्या होता है, क्योंकि पानी में ज्यादा होते हैं तो हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस इनके बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा खुद ही कि इनके पास हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनको वाटर, एक्सेसिव वाटर से बचाते हैं या ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अगार जो है वो रेड एल्गी से मिलता है, क्राइजीन भी रेड एल्गी से मिलता है, एल्जीन मिलता है ब्राउन एल्गी से। नाउ टाइप्स ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी में हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए तीन टाइप की एल्गी होती हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, देन फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, एंड द लास्ट इज रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी, रेड एल्गी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की बात करेंगे। क्लोरोफाइसी को रेड एल्गी कहा है, इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल सबके पास होता है, इसी वजह से इनके कलर अलग रहते हैं, कुछ पिगमेंट्स अलग होते हैं इनके पास। क्लोरोफिल की अगर बात करती हूं तो क्लोरोफिल इसमें ए और बी पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। दूसरा इनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैं बता नहीं रही हूं, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, ये डिस्कोइडल हो सकता है, ये जैसे आप हेलिकल टाइप हो सकता है, स्पाइरिकल टाइप हो सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप, ठीक है। अगर मैं थैलोकॉइड की बात करती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, थैलोकॉइड कितने होते हैं, 2 से लेकर 20 थैलोकॉइड्स इनमें हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर्म्स की बात करती हूँ तो फॉर्म्स तो वही हो गई, यूनिसेलुलर, देन कॉलोनियल जो हमने बात की ही थी अभी पहले जो मैंने पढ़ाया आपको, तो वो कौन सी वाली है, यही कि यूनिसेलुलर में आपका हो गया क्लेमाइटम होना, देन कॉलोनियल में हो गया आपका वॉल बॉक्स, एंड देन फिलामेंटस में आपका हो गया स्पायरोगैरा। तो ये हो गए कारा, कारा याद रखिएगा लार्जेस्ट कौन सी ये ग्रीन एल्गी उसको कहा जाता है। फिर इसी में अगर मैं आपको स्टोर्ड फूड की बात करती हूँ कि कौन कौन से फूड इसमें स्टोर्ड रहते हैं, तो स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रिनोइड, इसमें बहुत बार क्वेश्चन बना है आपका कि जो स्टोर फूड या स्टोरेज बॉडी आप कह सकते हैं कि स्टोरेज बॉडी क्या है, तो वो प्रिनोइड होती है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये याद रखिएगा, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, स्टार्च ये। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यहां पे आ रखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। फिर उसके बाद कि जो स्टोर्ड फूड होता है, तो स्टोर्ड ये आप स्टोरेज बॉडी कर सकते हैं, वैसे इसको स्टोरेज बॉडी कर लीजिएगा, तो स्टोरेज बॉडी तो होगा ये प्रिनोइड, और स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करते हैं तो स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स आप कर सकते हैं, कि ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गया, या स्टार्च, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड स्टार्च। स्टार्च तो आपको पता ही है कि प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ही होता है। तो ये हो गया आपका सेल वॉल की, चलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ, सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो दो आउटर और इनर लेयर इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, तो आउटर हो गई पेक्टोस और इनर हो गई सेलुलोज की बनी हुई, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही वेजिटेटिव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें वही कि आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। और एग्जांपल की बात करते हैं तो अल्थ्रेक्स आप कर सकते हैं, कारा कर सकते हैं आप, क्लेमाइडोमोना कर सकते हैं आप, वॉलबॉक्स कर सकते हैं आप, स्पायरोगायरा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया स्पायरोगायरा इज नोन एज पॉन्ड सिल्क एंड अल्थ्रेक्स इज नोन एज पॉन्ड वूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यू ऑफ क्लोरोफाइसी कंप्लीट, आप इसको जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन द सेकंड इज फियोफाइसी, तो फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ये हो गई ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में सबसे पहले मैं थैलोकॉइड्स की बात करती हूं, तो थैलोकॉइड्स कितने होंगे, 3 इन नंबर्स, ठीक है, 3 होंगे नंबर में,
यहाँ पे क्या होता है, गैमेट्स हो गए या एसेक्सुअल स्पोर्स हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। गैमेट्स की बात करते हैं तो वो पेरिफॉर्म शेप का होगा, ठीक है। और अगर उसकी बात करते हैं ये आपका एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं तो वो हो गया आपका पेयर्स शेप का होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं उसकी बात करती हूँ कि कौन कौन से इसमें क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होती है, तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होंगी, क्लोरोफिल ए। अब देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किस में प्रेजेंट थी, क्लोरोफाइसी, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगी। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी सबसे पहले ग्रीन एल्गी बताती है, उसके बाद ब्राउन एल्गी बताती है जिसमें ए और सी है, और इसमें बात करते हैं तो ए और डी पाई जाती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनके वजह से ये ब्राउन कलर के होते हैं, कैरेटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। तो तीन डिफरेंट पिगमेंट्स आप लिख लीजिएगा, कैरेटिनॉइड्स, फ्यूकोजेंथीन एंड ज़ेंथोफिल। तो अब क्या होता है, मैं कलर की बात करती हूँ, एनसीईआरटी ऐसे नहीं बताते कि किस कैसे करके ये अलग अलग शेप के होते जाते हैं, सॉरी कलर के होते जाते हैं। ऑलिव ग्रीन से ये येलो बनते हैं एंड देन ये ब्राउन बनते हैं, एट लास्ट ये ब्राउन बनते हैं, समुद्र में ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलिव ग्रीन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑलिव ग्रीन ये किसके वजह से होते हैं, यहाँ ऑलिव ग्रीन से ब्राउन अगर ये होंगे तो किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथीन होता है, फ्यूकोजेंथीन की वजह से ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और अगर मैं येलो की बात करती हूँ तो ज़ेंथोफिल, ठीक है, तो ज़ेंथोफिल की वजह से ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये है, स्टार्टिंग में ऑलिव ग्रीन से रहते हैं, बाद में पिगमेंट की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक चीज और, यहाँ ये क्या करते हैं, ये कैल्प स्टेज शो करते हैं, कैल्प यानी कैल्प क्या हो गया, ब्रांच्ड फॉर्म इनकी है, और कितनी हो सकती है, तो अप्रोक्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक ही ये हो सकती है, ठीक है, 100 मीटर तक की कैल्प स्टेज हो सकती है। तो ब्रांच्ड टाइप की स्टेज ये शो करते हैं। फिर उसके बाद की इसमें मैं इसके फॉर्म्स की या स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखिए ये हो गया इस तरीके से होल्ड फास्ट, ये देन ये स्ट्रिप और ये इस तरीके से फ्रोंड, तो इस तरीके से लिखती हूँ मैं, फ्रोंड जो फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये हो गया स्ट्रिप और ये हो गया होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, लिख लीजिएगा होल्ड फास्ट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, देन स्ट्रिप है विच इज अ कनेक्शन बिटवीन होल्ड फास्ट एंड फ्रोंड, और फ्रोंड एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्योंकि वो लीफ के जैसा दिखता है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इट एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इससे पहले अगर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो सकता है, वेजिटेटिव, देन एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में वही आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ओगैमस, वो आपको पता ही है। मैं सेक्सुअल में गैमेट्स बता देती हूँ आपको कि गैमेट्स जो है इनके पास हैविंग टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होता है। अच्छा मैं इसमें फ्लैजिला आपको बताना भूल गई, फ्लैजिला यहाँ 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, लेटरल फ्लैजिला 2 to 8 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ अगर हम बात करते हैं गैमेट्स, 2 फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं, और कैसे होंगे ये गैमेट्स के फ्लैजिला जो होते हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो गैमेट्स के इक्वल वाले हो सकते हैं, और अगर हम इसकी बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की बात, ये वाला मैं आपको बता दूं एक बार, ये पेरिफॉर्म शेप के हो सकते हैं ये वाले, जबकि ये पेयर शेप के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स पेयर शेप के होते हैं, हैविंग 2 फ्लैजिला बट अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल फ्लैजिला इनके पास पाया जाता है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। याद रखिएगा क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला, फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला एंड रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो एक्सेप्शन है क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो लिख लीजिएगा, आप खुद ही मैं बोल रही हूँ, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया क्या करता है, अच्छा अभी मुझे आपको स्टोर फूड भी बताना है। एग्जांपल में लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से क्योंकि समुद्र में होते हैं तो आयोडीन हम बहुत ज्यादा निकालते हैं, ले सकते हैं। सेकंड इसी में सरगासम, सरगासम की हम बात करते हैं, वो भी इसका एग्जांपल है। एक्टोकार्पस इसका एग्जांपल है, फ्यूगस हो गया वो इसका एग्जांपल है, और सबसे एनसीईआरटी में नहीं है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज नोन एज मैक्रोसिस्ट, ठीक है, मैक्रोसिस्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है। बट अभी मैंने फूड स्टोर्ड फूड की बात नहीं की, यहां मैंने आपको स्टोर्ड फूड बताया कि स्टार्च या ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। अगर मैं यहां बात करती हूँ कि स्टार्च क्या होगा, तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है विच इज नोन एज मैनिटॉल, बोल सकते हैं आप उसको कि मैनिटॉल इसमें प्रेजेंट होता है।
और आप कह सकते हैं लेमिनेरिया, तो दो स्टोर्ड फूड आप इसमें लिख लीजिएगा खुद ही, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं। लास्ट वन इज उसके बाद रोडोफाइसी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, ये याद रखिएगा। होल्ड फास्ट क्या करता है, फ्रोंड क्या करता है, देन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या आते हैं, रेड एल्गी इसमें आते हैं, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी इसमें पाए जाते हैं। दूसरा इसी में ही कि एक पिगमेंट और पाया जाता है, आर फाइकोएरेथ्रीन पाया जाता है। मैंने आपको बोडीगोक्स इफेक्ट बताया था, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरेथ्रीन के वजह से ये हो गए, या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। क्यों, अपनी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए, वो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है क्वेश्चन। ये वेल लाइटेड रीजन में ये हो सकते हैं, वेल लाइटेड और या एंड डेप्थ, समुद्र के नीचे तल पे भी रह सकते हैं, सबसे नीचे यही होते हैं, यहाँ ये यूवी रेस को पकड़ सकते हैं और यूवी रेस से ये अपना खाना बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये और कौन सी जगह में रहेंगे, तो ये मैराइन और वार्मर कंडीशन इनको चाहिए, मैराइन और वार्मर कंडीशन चाहिए, यानी मैराइन के साथ साथ खारे पानी के साथ साथ खारेपन के साथ साथ गर्म भी होना चाहिए वो जगह, तो इसीलिए ये इंडिया में नहीं पाए जाते ज्यादा, जापान वगैरह में ज्यादा पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको रीजन पहले की वीडियोस में बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं इसमें स्टोर फूड की बात करती हूं, तो यहाँ स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च ठीक है, जो किसके जैसा है, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन, तो आप यहां लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं क्या कि ये किसका, आप मतलब उसके जैसा ही है, आप ले सकते हैं कि सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर्ड की फॉर्म में रहता है, स्टोर्ड की फॉर्म में जो रहेगा, तो ये उसी के जैसा है। दूसरा इसी में ही आपका फ्लैजिला की बात करते हैं, तो फ्लैजिला इसमें नहीं है, आप लिख लीजिएगा, बहुत बार उससे क्वेश्चन बना है, फ्लैजिला नो फ्लैजिला, इसके बाद फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला। कुछ चीजें मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, गैमेट्स यहाँ मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा कि इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो मोबाइलिटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज्यादा दिखाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊ गैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा दिखाएंगे, तो ऊ गैमस यहाँ पे कॉमन होता है इसमें। और अगर इसी में एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में पॉलीसिफोनिया की बात करेंगे हम, पोरफायरा की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में यहां लिख रही हूं आपके पॉलीसिफोनिया, सेकंड पोरफायरा, देन जेलिडियम, जिससे जेलिडियम और ग्रैसिलेरिया इसके एग्जाम्पल हो गए। ये इनसे हम क्या कर सकते हैं, जो अगार की बात करते हैं, अगार भी हम इन्हीं से निकालते हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि पुडिंग वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स इनके बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, हाइड्रोकोलाइट्स इनके और ब्राउन एल्गी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो इनको वाटर, एक्सेसिव वाटर से बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया एल्गी के बारे में। अगर मैं इसमें सेल वॉल की बात करती हूँ, तो सेल वॉल इसमें हो गया, इसमें या इसमें, दोनों में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, यानी इस तरीके से सेलुलोज के सेल वॉल है, और इसके बाहर क्या होगा, ये इस तरीके से एल्जीन जेल प्रेजेंट होगा, जो हाइड्रोकोलाइट नेचर का होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, इन दोनों के सेल वॉल, मैंने इसीलिए यहाँ सेल वॉल नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि दोनों में एक जैसी है, तो आपको याद रखना है सेलुलोज के सेल वॉल होगी क्योंकि ये प्लांट है, और उसके बाहर एल्जीन की लेयर होगी जो हाइड्रोकोलाइट होती है। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं, फिर आपके पास इसमें बचता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो उसको देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू।